नमस्ते, मैं हूं शेफ पंकज और शेफ पंकज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो, आपको मालूम है कि फेस्टिव सीज़न है, कुछ तो स्वीट चाहिए और जो फटाफट स्वीट्स बना सकते हैं क्या है, तो उसमें एक बेहतरीन डेजर्ट है जो है शाही टुकड़ा। ये कॉम्बिनेशन है ब्रेड का, ब्रेड को आप घी में टोस्ट करो, ऑयल में फ्राई करो, उसके बाद रबड़ी के ऊपर टॉपिंग करके शुगर सिरप में डाल के, फिर रबड़ी के ऊपर टॉपिंग करके अच्छा पिस्ता और पिस्ता का स्लाइस डाल करके, आलमंड का स्लाइस डाल करके, एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, रिच डिश है, जल्दी बना सकते हैं। सो, चले मेरे साथ शाही टुकड़ा बनाने के लिए। तो शाही टुकड़ा के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 250 ग्राम चीनी ले लेंगे और इसमें एक अराउंड 150 ml ऑफ वाटर डाल देंगे। और ये 1:2 रेशियो में इसके लिए डाल रहे हैं, शुगर का 1:2 का रेशियो में, क्योंकि आपको दो तार का कंसिस्टेंसी चाहिए, दो तार का कंसिस्टेंसी चाहिए। एक बार जब शुगर थोड़ा बॉईल हो गया तो इसमें सैफरन डाल देंगे, तो सैफरन से क्या होगा कि उसका खुशबू काफ़ी अच्छा है। ये सैफरन इसमें डाल दिए, तो ये सैफरन के साथ यदि फ्लेवर्स भी आ जाएगा और इसके साथ इसका खुशबू भी आ जाएगा। और इस तरह से चीनी को हल्का ऐसा घुमाएंगे। और शुगर सिरप बनाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, एक 4 से 5 मिनट में आपका शुगर सिरप रेडी हो जाएगा। ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट हो गया है और आपका शुगर भी पूरा घुल गया है। अब इसको यदि शुगर का कंसिस्टेंसी चेक करना है तो जैसा इसको पकाने के लिए इसको दो तार चाहिए, तो इस तरह से आप शुगर को चेक कर सकते हैं। और ये देखिए अभी एक तार बन रहा है, थोड़ा सा और बॉईल करेंगे तो दो तार बनेगा। सो, इसको थोड़ा सा और दो तार लेने का रीज़न क्या है कि यदि आप पतला सिरप लेंगे तो वो आपका ब्रेड पूरा खींच लेगा और सॉफ्ट हो जाएगा। दो तार लेने से क्या है कि उतना चीनी नहीं खींचेगा और आपका जो क्रिस्पीनेस है, जो ब्रेड में क्रंचीनेस रहेगा, वो आप मेंटेन कर सकते हैं। ये शुगर सिरप ऑलमोस्ट रेडी है तो इसको हम लोग साइड में रख देंगे। इसके बाद ब्रेड को टोस्ट करेंगे और उसके बाद दूध से थोड़ा रबड़ी बनाएंगे जो कि उसके ऊपर जाएगा। तो ये इसको ऑफ कर देते हैं और ये साइड में रख देते हैं। अब ब्रेड को टोस्ट कर लेंगे। इसका दो ऑप्शन है, या तो आप रिफाइंड ऑयल डाल करके या घी डाल करके पूरा फ्राई कर लीजिए। जो ऑप्शन है इसमें हम लोग घी को एक पैन में 2 टीस्पून घी डाल रहे हैं और ये रोस्ट करने से क्या है कि आपका कम घी में, यदि आपको कम घी पसंद है तो ये कम घी के लिए ये एक ऑप्शन है कि इंस्टेड ऑफ डीप फ्राइंग आप स्लो फायर में ऐसा रोस्ट कर सकते हैं। और इसको रोस्ट तब तक करेंगे जब तक गोल्डन ब्राउन कलर हल्का, इसको टर्न कर लेंगे। और जब टर्न करेंगे तो मेक श्योर केयरफुली टर्न करें, एज अ प्रोफेशन बाय शेफ तो मेरा तो थोड़ा गर्म भी चलेगा, लेकिन न्यू कमर्स के लिए थोड़ा प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। तो इस तरह से हल्का सा स्लाइड गोल्डन कलर, और ये शाही टुकड़ा का बेहतरीन फ्लेवर भी है बिकॉज अगेन आप घी में रोस्ट कर रहे हैं तो उसका भी एक टेस्ट आएगा। और इस तरह से तो इसमें क्या बेनिफिट है, इसमें बेनिफिट क्या है कि आपको थोड़ी सी तेल में या थोड़ी सी घी में आपका काम बन जाएगा और क्रंची भी रहेगा। सो, इस तरह से दोनों को ऐसा टर्न करके टोस्ट कर ले। और आपको जल्दी चाहिए तो फुल ऑयल ले लीजिए, उसमें डीप फ्राई करके, क्योंकि डीप फ्राई करने का टाइमिंग जो है वो काफ़ी कम है, वो एक मिनट में आपका सारा ब्रेड फ्राई होके निकल जाएगा। सो, यदि आपको टाइम रिड्यूस करना है तो इंस्टेड ऑफ शैलो फ्राई आप डीप फ्राई भी जा सकते हैं। आप जैसा देख सकते हैं कि दोनों साइड से ऑलमोस्ट हो गया है, सो, इसमें ऑयल भी काफ़ी कम लगा है। और इस तरह से ये निकाल लेंगे, इस तरह से निकाल के ये इसमें रख लेंगे। और अब इसका दो एलिमेंट हो गया है, शुगर सिरप बना के साइड में रख दिए हैं, ब्रेड फ्राई करके रख दिए हैं रोस्ट करके। अब इसके लिए रबड़ी बनाएंगे और ये 1/2 लीटर दूध रबड़ी के लिए ले लिए हैं।
तो रबड़ी एक 15 से 20 मिनट लगेगा इसको, दूध को इस तरह से कंटिन्यूसली स्टेयर करेंगे। तो कंटिन्यूसली स्टेयर करने से क्या होगा, जब आप रबड़ी बनाएंगे तो लम्स नहीं आएगा और मलाई नहीं बैठेगा और आपका दूध जो है कंसिस्टेंटली वो थिक हो जाएगा, एक रबड़ी कंसिस्टेंसी में आएगा। तो हल्का सा इसको रिड्यूस करके हाफ लीटर को एक 200 ml के आसपास में करके, तो काफ़ी अच्छा एक रबड़ी के कंसिस्टेंसी में आ जाएगा आपका। और इस तरह से कंटिन्यूसली आपको एक 15 से 20 मिनट स्टेयर करना होगा, हाफ लीटर है तो ये टाइम लग जाएगा। आप जैसा देख सकते हैं कि रबड़ी आपका बिल्कुल कंसिस्टेंसी, जो दूध था हाफ लीटर लिए थे वो ऑलमोस्ट 1/3 हो गया है और ये मिल्क भी काफ़ी थिक हो गया है रबड़ी के कंसिस्टेंसी में। तो ये कंसिस्टेंसी चाहिए, ये आपके ऊपर शाही टुकड़े के ऊपर जाएगा। सो अब आपका शुगर सिरप रेडी है और ब्रेड टोस्ट किया हुआ घी में रेडी है और रबड़ी रेडी है। अब काम क्या है, ये तीनों को असेंबल करके शाही टुकड़ा का डिश बनाना है। तो ये फ्राइड इसको इस तरह डिप करेंगे और शुगर सिरप में ये जो दो तार का सिरप है ये दोनों तरफ से ऐसा प्रेस करके, और अब इसको ऐसा निकाल के इस तरह प्लेट में एक एक लाइन से अरेंज करेंगे। सो शुगर आपका थोड़ा ठंडा हो गया है, यदि गर्म है तो और जल्दी खींचेगा। इस तरह से थोड़ा प्रेस कर देंगे ताकि ब्रेड जो है थोड़ा आपका शुगर सिरप ऑब्जॉर्ब कर ले, और इसको इस तरह से शुगर सिरप में ऐसा डिप करके और इस तरह से निकाल लेंगे। इसमें इस तरह से रबड़ी डालेंगे, ये रबड़ी में चीनी नहीं डाले थे क्योंकि ये जो इसका मिठास है इसका चाशनी से आएगा। रबड़ी ऐसा पोर करके, अब इसके ऊपर थोड़ा सा खोआ को ग्रेट कर देंगे तो आपका टेस्ट और टेक्सचर दोनों इंक्रीज हो जाएगा। इस तरह से एक खोआ को ऐसा ऊपर से ग्रेट करके ये सारे टुकड़ों के ऊपर, शाही के ऊपर। अब ये नाम जो है आपका काफ़ी रिजम्बल होता है, शाही टुकड़ा है, इसमें काफ़ी शाही चीज़ चले गए हैं। और अब इसके ऊपर सबसे फाइनली ड्राई फ्रूट्स, फाइनली स्लाइस आलमंड ड्राई फ्रूट्स, आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा डाल देते हैं। और इस तरह से ये आपका शाही टुकड़ा रेडी है। तो बेहतरीन डेजर्ट आपके सामने रेडी है, त्यौहार के लिए, फेस्टिवल के लिए आप डेफिनेटली इंजॉय करेंगे। और टेस्ट करें, आपके लिए थोड़ा मेहनत किए हैं तो टेस्ट भी कर लेते हैं। और कहाँ से शुरू करूँ, काफ़ी डिलीशियस दिख रहा है और क्रंची भी है। यदि आप पतले सिरप बनाएंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, यदि आपको क्रंची रखना है तो टू कंसिस्टेंसी शुगर सिरप ज़रूर मेंटेन करें। ये क्रंचीनेस का आवाज़ सुन रहे हैं आप, यदि ये रखना है तो शुगर सिरप टू कंसिस्टेंसी दो तार का चाहिए, बेहतरीन है, मीठा भी है। जबकि रबड़ी में कोई स्वीट नहीं डाले, ओनली जो ब्रेड में ऑब्जॉर्ब किया है वही मिठाई है। भाई शेफ पंकज यूट्यूब चैनल अब तो सब्सक्राइब कर लो, बेहतरीन डेजर्ट है, फेस्टिवल में बनाओ, एंजॉय करो। थैंक यू वेरी मच।